श्री शिवलिंग हलीमनी नामी आदमी जिन्होंने एक बयान जारी किया जबकि वो मेरा नाम तक नहीं जानते, मेरे बारे में कोई हकीकत नहीं जानते और सर्वे नंबर 12 बड़ेपुर 8 एकड़ 34 घंटे के बारे में उन्होंने गलत बयानी की है, मैं उस ताल्लुक से उसका जवाब देने के लिए आज हाजिर हुआ। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि शिवलिंग हलीमनी किसकी बात सुनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, किन पेपर्स के आधार पर खड़े हुए हैं बोलने के लिए, या फिर किस आस उम्मीद को लेकर वहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करने और इनकी इज्जत से मजाक करने के लिए यहाँ पर ठहरे हैं, ऐसा जाहिर होता है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। सैयद निसार अहमद वजीर, रिटायर्ड तहसीलदार गुलबर्गा, श्री शिवलिंग हलीमनी नामी आदमी जिन्होंने एक बयान जारी किया जबकि वो मेरा नाम तक नहीं जानते, मेरे बारे में कोई हकीकत नहीं जानते और सर्वे नंबर 12 बड़ेपुर 8 एकड़ 34 घंटे के बारे में उन्होंने गलत बयानी की है, मैं उस ताल्लुक से उसका जवाब देने के लिए आज हाजिर हुआ। सबसे पहले सर्वे नंबर 12 बड़ेपुर जिसका गलत मोटेशन और इसके बेचने में मैंने मदद की है और दीगर इल्ज़ाम जैसा कि डिप्टी कमिश्नर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ERC मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये तमाम तर इल्ज़ाम झूठ और बेबुनियाद हैं। जबकि इस म्यूटेशन में जिस वक्त मैं 2004 में विलेज अकाउंटेंट था उस वक्त पानी में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं था, ग़ुलाम दस्तगीर साहब का नाम था। उसके बाद फिर एक और नाम आया शाहाना नफीस, फिर उसके बाद उनके GPA के ज़रिए कई रजिस्टर सेल डीड हुए, उन रजिस्टर सेल डीड को परचेजर्स ने तहसीलदार ऑफिस में सबमिट किया, वहाँ से स्क्रूटनी होके सेक्शन से कंप्यूटर सेक्शन को आया, फिर वहाँ पर स्क्रूटनी होके वहाँ से नोटिस जनरेट होकर फाइल बनी, फिर उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास आया, फिर वहाँ से मेरे पास आया। तो उस वक्त विलेज अकाउंटेंट का काम सिर्फ ये होता है कि जो बेचने वाले और ख़रीदने वाले उनके नाम वगैरह करेक्ट है कि नहीं ये देखना चाहिए। इसके लिए 30 डेज का नोटिस पीरियड रहता है, उस पीरियड में अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव होता है तो हमारे हायर अथॉरिटी रेवेन्यू इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इस म्यूटेशन में ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऑब्जेक्शन वक्फ बोर्ड हो या कौर दिए, लिहाजा आफ्टर 30 डेज मैंने अपनी ड्यूटी की कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, लिहाजा आगे प्रोसेस कर सकते हैं। मगर उस ज़माने में मुझ पर ये इल्ज़ाम था कि मैंने गलत म्यूटेशन किया है, तो तब के हायर ऑफिसर्स अगर वो म्यूटेशन गलत होता तो कैंसिल कर सकते थे, आज तक वो म्यूटेशन चलन में है, कैंसिल नहीं हुआ है। ना सिर्फ इतना बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से 1999 में उस ज़मीन को सेल परमिशन दिया गया है, तमाम बातें हैं। यहाँ पर उन्होंने तुष्टिकरण की बात कहकर ये बताने की कोशिश की है कि गुलबर्गे में माहौल कुछ अलग हो रहा है, मुस्लिम्स ऑफिसर्स अपने सबॉर्डिनेट मुस्लिम सबॉर्डिनेट के फेवर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं, 100% गलत है, जो भी है कानून की रोशनी में हो रहा है, इससे हटके कुछ भी नहीं। जबकि हकीकत ये है कि मुझ पर जो इल्ज़ाम था, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या परचेजर सही है, वो फैसला अलग होगा, वो ज़मीन वाले या वक्फ बोर्ड वाले इसका जवाब देंगे। मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद और गलत है। शिवलिंग हलीमनी साहब को हकायक मालूम करके पब्लिक के सामने आना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे बहुत हमको सदमा पहुंचा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें एक और इल्ज़ाम ये है कि इसको जो कि स्क्वायर फीट की शक्ल में रजिस्ट्री की गई है, देखिए स्क्वायर फीट की शक्ल में जो रजिस्ट्री की गई है उसकी नोटिस जनरेट होती है तहसील ऑफिस से, वहाँ पर जब फाइल बनकर रेडी होकर आती है
तो सिर्फ विलेज अकाउंटेंट का काम क्या होता है, मैंने उसकी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 27 अगस्त 2011 को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने इसका जवाब प्रादेशिक आयुक्त कलबुर्गी रीजनल कमिश्नर को दिया कि गुंटे और चतुर मीटर और स्क्वायर फीट में भी म्यूटेशन कर सकते हैं, लिहाजा इसकी बुनियाद पर मुझ पर जो इल्ज़ाम थे उस वक्त के प्रादेशिक आयुक्तरों यानी रीजनल कमिश्नर श्रीमती के रत्ना प्रभा ने मुझे इन तमाम इल्ज़ाम से बरी कर दिया। और यहाँ तक के जो उन्होंने वक्फ बोर्ड के या फिर लोकायुक्त के जिसका फाइल नंबर क्राइम 57 ऑफ 2014 है, क्राइम 57 ऑफ 2014, इसी में बेंगलुरु के अपर पुलिस महानिर्देशक रो कर्नाटक लोकायुक्त बेंगलुरु इन्होंने 13 जुलाई 2022 को डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को ये लिखते हैं कि इस जमीन के म्यूटेशन या दीगर व्यवहार के मामले में जितने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम थे उसमें सीरियल नंबर 13 निसार अहमद वजीर का है, लिहाजा तमाम पेपर्स और जजमेंट्स की रोशनी में यहाँ पर कन्नड़ में लिखा उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। गुलबर्गा तालुका कचेरी कलबुर्गी सैयद निसार अहमद इवर विरुद्ध आपादने साबीतपड़ी सूक्त साक्षाधार कोरते उल्लेखित एरदे अभियोजना मंजूराति आदेश मेरे क्रम जरूर साध्यवेतर ऐने इन तमाम हकाय की बुनियाद पर मेरे ऊपर किसी भी कीमत पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, इतना कहकर उन्होंने फाइल क्लोज की। हाल ही का है यानी 13 जुलाई 2022, जिस वक्त मैं विलेज अकाउंटेंट था तभी भी इल्ज़ाम आया था, इल्ज़ाम आया इंक्वायरी हुई मुझे बरी किया गया, उसके बाद मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर बना, फिर उसके बाद डिप्टी तहसीलदार बना, फिर उसके बाद मैं तहसीलदार बना। तो इन्होंने ये कहा कि मैं बहुत करप्ट हूँ, बहुत मेरे पर इल्ज़ाम हैं, बहुत एलिगेशंस हैं। इन्होंने जो उल्लेख किया है शिवलिंग हनीमीर साहब, तमाम मुस्लिम लोगों के उन्होंने नाम लिया है, जबकि ये तमाम डिपार्टमेंट के जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है, सब रजिस्टर ऑफिस है, जीडीए है और सर्वे ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, इन तमाम ऑफिसों में और भी दूसरे ऑफिसर्स रहते हैं, उनका नाम लिए बगैर इन्होंने सिर्फ मुस्लिम एम्प्लॉयज और मुस्लिम ऑफिसर्स का उन्होंने नाम लेकर ये बता दिया है कि वो खुद ही मुस्लिम और हिंदू के दरमियान में नफरत पैदा करना चाहते हैं। मैं आज की तारीख में इसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ, उनके तमाम इल्ज़ामात को मैं मुस्तरद करता हूँ। और उन्होंने ये बताया कि डिप्टी कमिश्नर और एआरसी हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी के साथ हुसैन पाशा जो डिप्टी तहसीलदार हैं, तहसील ऑफिस के 15 झाड़ बेचकर खाए हैं, तहसील ऑफिस तो 15 झाड़ थे ही नहीं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि शिवलिंग हनीमणि किसकी बात सुनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, किन पेपर्स के आधार पर खड़े हुए हैं बोलने के लिए, या फिर किस आस उम्मीद को लेकर वहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करने और इनकी इज्जत से मजाक करने के लिए यहाँ पर ठहरे हैं, ऐसा जाहिर होता है। लिहाजा मैं एक साथ ही साथ एक और बात मुझे देर से मालूम हुई है कि एक सीनियर सियासतदान भी डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के बारे में स्पीकर को लेटर लिखा है। देखिए फौजिया तरन्नुम किसी की तरफदारी नहीं करते हैं, बिल्कुल पक्के ईमानदार मेहनती आईएएस ऑफिसर हैं, वो किसी की तरफदारी हरगिज नहीं करते, जो भी फाइल में पेपर्स आते हैं उसकी बुनियाद पे वो एक्शन लेते हैं। लिहाजा इन तमाम बातों के पेश नज़र इससे वाजह होता है कि शिवलिंग हनीमणि साहब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के मुखालिफत में यह बयान दिया है। ये सोफी संतरा नाडू कलबुर्गी कहते हैं यहाँ पर सिर्फ अमन और शांति ही की बात होना चाहिए, इससे हटकर दूसरे मामलों को और दूसरी ताकतों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। मैं आज के आप तमाम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शिवलिंग हनीमणि साहब ने जो गलत बयानी से काम लिया है इससे ना सिर्फ मेरे दिल को ठेस पहुँची है बल्कि मेरे पूरे घर के मेंबर्स डिप्रेशन में आ गए हैं।
मैं अगर जरूरी समझा, मौका पड़ा तो मैं शूलिंग हनीमन साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अभी निसार अहमद साहब वजीफे पर चार दिन पहले वजीफा हुआ आपका, अभी कुछ देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, निसार साहब वजीर के बारे में क्या कहने हैं, उनका काम बताता है, उनका नाम बताता है और कुछ इल्ज़ाम तराशी भी हुई है। क्या नाम का? शिवलिंग हरिमनी नाम के एक साहब, वो क्या मकसद से या किसके कहने पर उन्होंने निसार अहमद साहब वजीर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है जो कि बेबुनियाद और मजाक खैज है। मैं इसको कड़ी अल्फाज में उसके बयान की मजम्मत करता हूँ। रही बात दूसरी, जैसा कि अभी निसार साहब पढ़ रहे थे, पहले 2004 में विलेज अकाउंटेंट के तौर पर उन्होंने काम किया, उसके बाद प्रमोशन हुआ रेवेन्यू इंस्पेक्टर के तौर पर, उसके बाद प्रमोशन हुआ डिप्टी तहसीलदार गुलबर्गा, फिर उसके बाद प्रमोशन हुआ तहसीलदार ग्रेड टू बलकर, उसके बाद अभी हाल में दो चार दिन पहले रिटायर्ड भी हो गए। अगर ये इल्जाम रहते, अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन रहते, पेंडिंग कोई इंक्वायरीज होती, तो गवर्नमेंट्स के नाम होते हैं कि उसको प्रमोट नहीं किया जाता, प्रमोशन नहीं दिया जाता। ये एक्ट बोल रहा है, ये रूल्स बता रहे हैं, सर्विस रूल्स कानून के तौर पर। रही बात दूसरी, जो साहब भी उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं बेसलेस एलिगेशन है, मैं उसको कंडम करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और रही बात यहाँ पे जो वातावरण हम जो देखे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं, वो कोई पार्टी से उनका ताल्लुक होगा, वो जो बात बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करने की जरूरत नहीं है। ही इज ऑफिसर, ही हैज डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज ए ऑनेस्ट ऑफिसर, आई नो हिम वेरी वेल फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। रही बात दूसरी के फौजिया तरन्नुम IAS ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, ARC इलियास अहमद साहब सामदी और हुसैन बादशाह जो डिप्टी तहसीलदार तहसील ऑफिस में है, उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे बेबुनियाद और इल्जाम तराश की है, उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आ रही भाई, दे ऑल आर ऑफिसर्स, हमारा क्या लेना देना उनसे, उनकी ड्यूटी वो कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं, हमारे को जब भी जरूरत पड़ती है ऑफिशियल्स की हम जाते हैं, हमसे हेल्प लेते हैं। इसके अंदर निसार साहब अगर ये पर्टिकुलर बता सकते हैं कि निसार साहब किसी को फेवर करे हैं पोस्ट का, गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया है पोस्ट का, तो जब आप इल्जाम लगा सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो लोग भी उनके पास तकलीफ लेकर है, ग्रीवेंसेस लेकर है, उसको सॉल्व करना उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उनका धर्म है, मैं तो बोलूंगा कोई भी ऑफिसर है। और ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, बेसलेस है, ये चार्जेस ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि जो लोग भी ऐसा ओपन मीडिया में आकर बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ गवर्नमेंट खुद सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेकर उनको केस होना चाहिए, डिफामेशन केस होना चाहिए, क्रिमिनल सिविल केसेस। लिहाजा हिंदू मुस्लिम के इश्यू पे यह बात करने का नहीं है। ऑफिस निसार साहब ऑफिसर थे, एक बेस्ट ऑफिसर के तौर पर रिटायर्ड हुए हैं, अगर ऐसे कुछ इल्जाम रहते तो इनको प्रमोशन नहीं दिया जाता, तहसीलदार के अहदे पर पहुंच नहीं सकते थे, चाहे निसार साहब हो या कोई दूसरे साहब भी हो, इवन डिप्टी कमिश्नर भी अगर रहता, अगर कोई एलिगेशन है, कोई इंक्वायरी है, तो उनका प्रमोशन नहीं होता, अंडरस्टूड बात है। इसके अंदर किसी को तायद करके बोला भी नहीं, उनके सफाई में पेश करना भी नहीं है बात को। लिहाजा तमाम चीजों की मैं मजम्मत करता हूं, और जो लोग ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, गुलबर्गा का हर हिंदू हर मुसलमान, एक गंगा जमनी का शहर है गुलबर्गा। और रही बात फौजिया तरन्नुम के बारे में भी, आप लोग हर मजहब के लोगों से पूछ सकते हैं कि कितना ऑनेस्टली शी इज वर्किंग, हमको क्या जरूरत है किसी के बारे में एलिगेशन करना। ऑफिसर आज रहते कल चले जाते हैं, 3 साल के बाद ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी तरफ चले जाते हैं। अरे मुसलमान है तो जो ऑफिसर ऑनेस्ट है उसको लाए होंगे, यहाँ के लीडर्स भी जिम्मेदार हैं, उसको लाए होंगे, बुला के लाए तो उसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान है मुसलमान को ला रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कई जमाने से हम देख रहे हैं कि नॉन मुस्लिम हर साथ के लोग हैं, गुलबर्गा में कोई एलिगेशन नहीं हुआ, अननेसेसरीली उसको एक इशू बना रहा है, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। लिहाजा निसार अहमद साहब वजीर के जितने जैसे ऑफिसर ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, जो सर्वे नंबर 12 आर्टिकल 34 घंटे की जो बात कर रहे हैं, पूरा शहर नहीं पूरा कर्नाटक जानता है, क्योंकि मैं भी हमारे वक्त के चेयरमैन से ही बात किया था कि नॉट एट ऑल वो सर्वे नंबर 12 इज बिलोंग टू वक्त, और उनका गेजेट में नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था,
ये जितना मेरे को इल्म है, उसके बावजूद भी हमने सभी टारगेट कर रहे हैं, वो इश्यू जो है ना खत्म हो चुका है, मर गए हैं, इशू है बेहतर उसको ला के उसको टारगेट बनाना, किसी को बदनाम करना ये मियारी बात नहीं है। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और जो शख्स भी इनके खिलाफ में बोला है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। This video presented by Manu Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.